कर रहे हैं आपके अब्बा से मुलाकात करने का। मेरा एक फ्रेंड जर्नलिस्ट है, मैं उसको फोन कर देता हूँ। वो अखबार में शहीद की स्टोरी छाप रहे हैं। अचानक जब अपने परिवार से मिलने के लिए नीचे की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट। अगर ये याद आएगी ना तो और क्या मर जाएगी। अम्मी ऐसे इस घर से निकाल दे। अम्मी सोचता हूँ कि मैं एक बार दिल्ली जाके देख लूँ। हम राबिया से मिलने आए हैं। वो यहाँ से चली गई है। अमित शाहिद की मौत के बाद। शाहिद की मौत? दरअसल कल रात आप मेरी ही गाड़ी से सड़क पर चलते हुए टकरा गई थी। अब रैबे आपका आता पता तो मालूम नहीं था तो मैंने घर में लाना ही बेहतर समझा। बैठिए ना। ममदू भाई राबिया जी जाग गई हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? चाय तैयार है डॉक्टर साहब। ये आपकी चाय। आपा ये आपकी। ये बिस्कुट। भाई ममदू वाह, तुम्हें ये भी पता चल गया कि इनको होश आ गया है और ये भी पता चल गया कि ये चाय पी लेती। डॉक्टर साहब हमें वो हो गई थी वो मेम साहब ने बताया था। हाँ टीली पीथी हो गई थी। ममदू शब्दों को सीख तो लिया है लेकिन उन्हें ठीक से बोलना भी सीखो। टेलीपैथी। हाँ जी डॉक्टर साहब। राबिया तुम मुझे रहमान साहब का फोन नंबर देना, मुझे उन्हें खबर करनी चाहिए। तुम कल से घर नहीं पहुंची हो, बहुत फिक्र कर रहे होंगे। अम्मा नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब। क्यों? शायद के बाद अम्मा हमारा कुछ नहीं है। अम्मा नहीं रह सकते। ठीक है अगर तुम वहां नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हारे कबीले के ठिकाने तक तुम्हें पहुंचवाने का इंतजाम कर लेता हूं। वहां जाएंगे तो अम्मी अब्बू हमारे साथ हुए हादसे की बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर जाना कहाँ चाहते हो? आपने हमें क्यों बचाया डॉक्टर साहब? हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, हम मर जाना चाहते हैं। राबिया चाहता तो इंसान बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता और मकसद तो खुदा ने दे दिया है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है। सलाम अलैकुम भाईजान, बहुत जल्दी आ गए, सब खैरियत से तो है? हमारा राबिया बेटी ठीक है ना? हाँ खुश तो है ना? वो तो फूला नहीं समाता होगा। हाँ इतना बड़ा घर।